दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछने जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फर्स्ट क्वेश्चन हम आप देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ नज़र डालते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया, जिसने संप्रभुत्व पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया कर दिया था। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, हिंदू महासभा, बी कांग्रेस, सी मुस्लिम लीग, डी ये है यूनिस्ट पार्टी। चार ऑप्शन है हमारे पास, राइट आंसर इसका चूज़ करते हैं। राइट आंसर है मुस्लिम लीग, इसका राइट आंसर मुस्लिम लीग है, सी इज़ राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को निर्धारण प्रणाली में से किसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार कृषकों से सीधा राजस्व एकत्रित करती थी। चार ऑप्शन है इसके हमारे पास, पहला ऑप्शन है जमींदार, रैयतवाड़ी, अन्नावारी और देसाईवाड़ी। इसका जो राइट आंसर है वो है रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था। चार ऑप्शन है हमारे पास, पहला है तांत्य टोपो, दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा है हज़रत बेगम महल और चौथा है नाना साहब। इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है हमारा नाना साहब, नाना साहब इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा किसने कहा था, किसने कहा था भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा। चार ऑप्शन है हमारा, किसे कहा जाता है, सॉरी गलत मैंने पढ़ दिया था, क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षा का अंधोमुखी सिद्धांत, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, मौलिक शिक्षा का वारदा योजना और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स वुड का निर्देशक पत्र 1864। हमारा जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स वुड का निर्देशक पत्र 1864, इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1922 में शराबबंदी, कोई टैक्स नहीं, शराबबंदी का मतलब है कि कोई टैक्स नहीं, अभियान का नेतृत्व किसने किया था। चार ऑप्शन है, भगत सिंह, चितरंजन दास ने, राजगुरु ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हमारा जो राइट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था, कौन है इनमें से कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता। चार ऑप्शन है हमारा, एम एन रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पटल्लम ताड़ू पिल्ले, चार है आचार्य नरेंद्र देव। हमारा जो राइट आंसर है वो है आचार्य नरेंद्र देव, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, विरूपाक्ष मंदिर। चार ऑप्शन है, भद्राचलम, चिंद्रबरलम, हम्पी और श्रीकालहस्ती में। चार ऑप्शन ध्यान से देख लेना, इसका राइट आंसर है हम्पी, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो का मानतेश्वर मंदिर समर्पित है, किसे समर्पित है मानतेश्वर मंदिर जो खजुराहो में है, विष्णु को, शिव को, सूर्य को, पार्वती को। हमारा जो राइट आंसर है वो है शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारा राम मंदिर किस राज्य में स्थित है, हजारा राम मंदिर किस राज्य में स्थित है। पहला अवध, श्रवणकोर, विजयनगर, अहोम। इसका जो राइट आंसर है वो है विजयनगर, हजारा राम मंदिर विजयनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश में अपवर्तन से उत्पन्न होता है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है। चार ऑप्शन है, स्त्री मेघों का जलवाष्प से, पेशाब कपासी मेघों के हिम स्फोटकों से, पक्षब मेघों के हिम स्फोटकों से और
स्त्री मेघों के धूल कणों से। हमारा जो राइट आंसर है वो है पश्चिम मेघों के हिम स्फोटकों से। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आप भी जीके में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।